कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग हमेशा परेशान रहते हो कि मैम हम कौन से क्वेश्चन तैयार कर लें जिसको पढ़ करके हम कर लें 11th में टॉप। तो अगर आप भी करना चाहते हो 11th में टॉप, तो जो मैं बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनको बस तैयार कर लेना है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चंस। बस ये 30 क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं एंड यस, फिर आप कर सकते हो क्लास 11th में टॉप। तो चाहे आप किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो, बेटा मैं जो सवाल बताने वाली हूँ वो हर बार रिपीट होते हैं। मैं आपको प्रॉपर टॉपिक भी बता दूंगी एंड यस, मैं वो प्रॉपर क्वेश्चंस भी बता दूंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यार 11th में टॉप करना चीज़ तो ये है कि इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें करना क्या है, हमें सही तरीके से पढ़ाई करनी है, हमें चैलेंज लेना है कि यार बस मैं हर दिन पढ़ूंगा। हर दिन आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है और उसको ही फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो यार, हम लोगों का जो चैप्टर है वो है मात्रक और मापन, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? भौतिक जगत से बेटा आपको एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अपडेटेड एनसीईआरटी में चैप्टर भी डिलीट हो गया है, ठीक है? तो बच्चों हम उठाएंगे पहला मात्रक और मापन चैप्टर। तो अगर मात्रक और मापन चैप्टर की बात की जाए तो मात्रक और मापन चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये कि हमें करना क्या होगा, विमीय सूत्रों को अच्छे से तैयार कर लेना होगा। आपको विमीय सूत्र बनाने आने चाहिए, ठीक है? और विमीय सूत्र को देख करके भौतिक राशि को बेटा जी जो है भौतिक राशि के बारे में बताना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी आपको सवाल मिल सकता है। आपको विमीय सूत्र दे देगा और आपको बोलेगा कि ये बताओ कि कौन सी भौतिक राशि हो सकती है। तो एक तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र और विमीय सूत्र को देख के बेटा जी भौतिक राशि बताना, ये दोनों ही बेटा चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बेटा अगर मैं बात करूं तो बच्चों विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार समीकरणों की सत्यता की जांच, बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी समीकरण दे सकता है, समीकरण की जांच करने के लिए बोल सकता है कि भैया ये बताओ कि क्या ये विमीय रूप से सत्य है। बच्चों ऐसा भी सवाल आपसे बोला जा सकता है, जैसे कि मान लो आप लोग को दे दिया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको सिद्ध करके बताओ कि क्या ये विमीय रूप से सत्य है। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो बच्चों नेक्स्ट बेटा वो टॉपिक तुमसे बोल देगा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सवाल जो है इससे आते हैं, ठीक है? आपको E बराबर MC स्क्वायर दे सकता है, आपको F बराबर MA दे सकता है और आपको T बराबर 2π अंडर रूट L अपॉन G, बच्चों ये भी सवाल दे सकता है। बच्चों ये तीनों मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं। यहाँ से बच्चों इतने ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है सरल रेखा में गति, तो सरल रेखा में गति चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो बच्चों है समीकरणों को ग्राफीय विधि से सिद्ध करना, समीकरणों को ग्राफीय विधि से प्रूफ करना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? ग्राफीय विधि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा आपसे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को पूछने के लिए वो बोलेगा, या फिर आपको थर्ड इक्वेशन दे सकता है। तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, तो बच्चों आपसे बेटा जो है ग्राफ बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है? ग्राफ दे देगा और आपसे बोलेगा भाई चाल निकालो, एक्सलरेशन निकालो, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। आगे बेटा अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो बच्चों आपसे तात्क्षणिक चाल औसत चाल और औसत वेग, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? आपसे इससे इस पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, तो ये आपको सवाल बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर मैं बात करती हूँ बच्चों लास्ट, तो बच्चों वो है फ्री फॉल, है ना बेटा? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है?
बेटा गुरुत्व के अधीन गति में हमें जो है गति के समीकरणों का इस्तेमाल करके वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो बच्चों ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं, इनके ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर बेटा मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो कि है समतल में गति, तो वेक्टर से देखो पहली चीज तो यह है कि वेक्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से आपको वेक्टर से मान लो परिणामी जो है सदिश का योग निकालना है, ठीक है, या सदिशों का अंतर निकालना, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हमारे सिलेबस से जो है मैं कह सकती हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाली जो प्रमेय है वो डिलीट हो गई है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इससे जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, इसको सिद्ध करो। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये बच्चों के एग्जाम में। अगर मैं अगली बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों आपसे जो है अधिकतम ऊंचाई के लिए भी सवाल बोल सकता है, इसको प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। उड्डयन काल, क्योंकि यार देखो यही कॉन्सेप्ट ही है, इनको अगर छोड़ दोगे तो इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। उड्डयन काल, क्षैतिज परास, है ना, इनके डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं और इस पर बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बच्चों नेक्स्ट आपसे जो है V बराबर R ओमेगा, है ना, इसको प्रूफ करने के लिए ही बोल सकता है, इसकी प्रूविंग बोल सकता है। ठीक है, वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अभिकेंद्र त्वरण भी अच्छे से तैयार कर लेना है, अभिकेंद्र त्वरण पर बेस्ड सवाल भी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो बच्चों समतल में गति में आपको इतने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ये बार बार रिपीटेड जो है हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं बात करती हूँ हमारे जो है अगले चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर है गति के नियम। गति के नियम की अगर मैं बात करती हूँ तो गति के नियम चैप्टर में जो सबसे पहले वो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि गति के द्वितीय नियम को सिद्ध करो, है ना, गति के द्वितीय नियम की प्रूविंग पूछेगा, F बराबर एम ए की प्रूविंग पूछे, गति के द्वितीय नियम को सिद्ध करने वाला जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंड लॉ की जो प्रूविंग है वो सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, तो बच्चों आपसे बोलेगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बेटा संवेग संरक्षण के सिद्धांत की प्रूविंग और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रॉकेट नोदन को नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हट गया है, फालतू में परेशान नहीं होना है। बच्चों अगर मैं बात करती हूँ इसके अलावा, बेटा इसके अलावा आपको सीमांत घर्षण को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि सीमांत घर्षण पर बेस्ड जो सवाल हैं वो आपसे बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। सीमांत घर्षण जो है कैसे अलग है बाकी घर्षण से, इस पर थ्योरी भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पर आपसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा, सीमांत घर्षण का फॉर्मूला भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अगले विराम कोण को प्रूफ करना। बेटा विराम कोण की प्रूविंग यानी कि एंगल ऑफ रिपोज, इसको बेटा जी बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज की प्रूविंग बोल सकता है, एंगल ऑफ रिपोज पर बेस्ड सवाल बोल देगा। अब बच्चों इस पर बेस्ड जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ संघट बोल दो या टक्कर बोल दो, राइट, तो प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर भी क्या है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों गति के नियम से आपको इतना तैयार कर लेना है। अब बात आती है अगले बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, तो इसमें जो सबसे पहले मैं लिखवाना चाहूँगी बेटा, वो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर बेस्ड जो है आपसे कार्य ऊर्जा प्रमेय का आपसे सिद्ध करवाने के लिए बोल सकता है, तो इसकी प्रूविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट के बच्चों, तो नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट,
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अगेन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बच्चों इसके अलावा आपसे जो सवाल पूछा जाएगा बच्चों, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा बार जो है सवाल पूछा जाता है। स्प्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग बल के द्वारा किया है कार्य, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा आपको स्प्रिंग फोर्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है बच्चों, गतिज ऊर्जा और संवेग में जो रिलेशन बेटा, इस पर बेस्ड आपको सवाल कर लेने हैं बेटा, दो नंबर में पूछ सकता है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध वाले क्वेश्चन ये आपके जेई नीट में ही पूछे गए हैं, में संबंध पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एंड बच्चों इस चैप्टर में नेक्स्ट आपका जो है शक्ति, बच्चे बेटा शक्ति पर भी बेस्ड आपसे सवाल बोल सकता है, पूछ सकता है, दो दो नंबर पे, ठीक है। तो बच्चों शक्ति वाले बेटा जो सवाल है वो भी अच्छे से तैयार कर लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं। इस चैप्टर में जो ये ऊपर के जो बेटा जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बच्चों मैंने आपको जो है बेटा फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक बता दिया है कंप्लीट, क्योंकि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम से भी यही चैप्टर आने हैं, आपका जो कह सकते हैं जो स्कूल एग्जाम हो रहा है में यही क्वेश्चंस आने हैं। तो आप लोगों ने डिमांड करी थी कि मैम हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, आप हमें क्वेश्चन बता दो, और बच्चों अभी तक मेनली आपके यही चैप्टर्स कंप्लीट ही हुए हैं। अब जो जब आपके बेटा जब थोड़ा सा और पढ़ लोगे, फाइनल बेटा एग्जाम आएगा, तो उसके पहले ही मैं आपको बाकी चैप्टर बेटा जो बचे हुए हैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। तो अगर आपने अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्य बैच में आपके सभी टीचर्स बेटा जी फेवरेट हैं। एंड बच्चों आपको यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लास, डिटेल्ड नोट्स बच्चों, चैप्टर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, यहां तक बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है। और बेटा इस बैच की जो प्राइसिंग है वो है मात्र 2499। तो अगर कोई भी डाउट है तो 0124715825 पे आपने कॉल करना है और आज ही आपको इस बैच का हिस्सा बन जाना है। तो इस बैच में बेटा जी आपको सब कुछ मिल रहा है, हर एक बेटा चीज डिटेल में पढ़ाई जा रही है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इन सारे सवालों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और जब हम अगली क्लास बेटा जी मिलेंगे तो बच्चों से बचे हुए जो सवाल है वो भी आपको बता दूंगी, और आपको कमेंट में बताना है कि इनमें से आपको कितने सवाल आते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स में आपको होती है प्रॉब्लम। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।